ध्यान दीजिए। मम्मी मम्मी अपनी ट्रेन कब आएगी? कभी नहीं आएगी। तो अपन क्या यहाँ अंडे देने बैठे हैं? हाँ अंडे देने बैठे हैं। आप मुर्गी हो क्या? अरे यार हजार की जवानी होगी, कब से लगा है मम्मी ट्रेन कब आएगी, दिमाग कहाँ है? आप कितनी वो हो, मैं कितना एक्साइटेड हूँ ट्रेन में बैठने के लिए, पहली बार बैठूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ और आप डांट रही हो। अरे अरे आपका बेटा रो रहा है, कोई बात नहीं इसको ये समोसा खिलाओ, मस्त वाला चुप हो जाएगा। हाँ हाँ मम्मी मेरे को समोसा खाना है बहुत सारे। एक झापड़ दूंगी, अभी तक 10 समोसे पेल चुका है एक एक करके, और ये सब नाश मीठी ट्रेन की वजह से हुआ है, 2 घंटे लेट है, ये मेरी औलाद दिमाग खा गई पिछले 2 घंटे से, ये दिला दो वो दिला दो। तो क्या हुआ देवी जी, बच्चा ही तो है, दिला दो समोसा, 7 रुपए का ही तो है। बच्चा है तो फ्री में दे दो। फ्री में तो मैं मुँहता भी नहीं हूँ। आखिरकार आ गई ट्रेन, ये हुर्रे हुर्रे हुर्रे, ट्रेन में बैठूंगा। चार चवन्नी घोड़े पे, क्या आप खिसक जाओगे थोड़े से? और कुछ काम नहीं है क्या, फिर आ गए तुम दद्दू बिना टिकट के? बेटा टिकट करवाया है, ऐसा वैसा समझाए क्या, पेंशन आई है मेरे, फुल खर्चे हो रहे हैं, फुल अय्याशी हो रही है, अय्याशी तुझे खरीद लूं यहीं अभी। सरकार तुम्हें देश भर के सारे बुजुर्गों की भी पेंशन दे देगी ना, तो तुम मुझे नहीं खरीद पाओगे दद्दू। सरकार दे रही बटा किसी को कुछ, ये तो आम जनता को खा रही है। कितनी अच्छी तो सरकार है, देश कहां से कहां पहुंच गया, तुम लोगों का तो रोना ही खत्म नहीं होता। आ गए सरकार के चटोरे, तुम्हारे तो कभी नहीं भराते कटोरे, भिखारी साले जब देखो प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि हम अंधे नहीं है। काणे हो तुम काणे, तुम लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखती है, विकास नहीं दिखता। इतनी भी मत चाटो सरकार की, जीप पीली हो जाएगी आपकी, बैंड बजा देंगे आपकी, लाल कर देंगे तुम्हारे बाप की। दद्दू लिमिट में क्या कर लगा रहा तेरी? अरे यार आप लोग मेरे को शांति से माइनक्राफ्ट खेलने दे दो, पॉलिटिक्स डिबेट मत करो, किसी और बर्थ में जाके करो ये पॉलिटिक्स वाली बकेट, कहीं और जाके रायता फैलाओ। अभी आप लोगों की वजह से मेरा ध्यान भटक और क्रीपर उड़ा गया, मुझे हार्ड मोड पे खेल रहा था मैं, पूरे 100 दिन करण बनते बनते टूट गया। औलाद हे भगवान, तू ट्रेन में भी माइनक्राफ्ट खेल रहा है, तुझे कुछ और काम नहीं है, पहली बार ट्रेन में बैठा है माइनक्राफ्ट के लिए? तो और क्या करूं, गर्मी इतनी लग रही है, हाय गर्मी, और ये बुजुर्ग लोग अलग लाउड स्पीकर की तरह बज रहे हैं। बेटा मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, जवान हूँ अभी। अरे मेरे बुढ़ापे में तेरी जवानी से ज्यादा ताकत है। हाय दद्दू, मैं तो फिदा हो गई आप भी। एक जमाना था जब हम ट्रेन में पबजी खेला करते थे, क्या दिन थे वो। अभी भी खेल सकते हो भैया, कौन रोक रहा है, मैं भी आ जाऊंगा। अब वो मजा ही नहीं आता जो पहले आता था, दोस्त लोग चले गए, क्लासिक भी खेलने की इच्छा नहीं करती, बस थोड़ा बहुत टीडीएम खेल लेता हूँ, वो बात नहीं रही अब। इसलिए तो मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, कभी बोर ही नहीं होता, ऑलवेज इंटरटेनिंग। बेटा जब दिमाग में 24 घंटे करियर की टेंशन हो ना, तो कितनी भी इंटरटेनिंग चीज हो बोरिंग ही लगती है। भैया इतनी ही टेंशन है तो ट्रेन के दरवाजे से कूद जाओ ना, ना रहोगे आप, ना रहेगी टेंशन। क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया क्या, ये सब क्या सीख रहा है? मैं तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का एग्जाम्पल दे रहा था। देख रहे हो दद्दू, आप बोल रहे हो सरकार अच्छी है और आपके बगल में एक युवा बेरोजगार बैठा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, आज तो लड़ाई हाथापाई होके रहेगी। हे भगवान, ये लोग मेरे को शांति से माइनक्राफ्ट नहीं खेलने देंगे। तू चल घर में, निकालती हूँ तेरे हर जगह माइनक्राफ्ट खेलने का कीड़ा। कोई मुझे नौकरी दे दो। उम्र सारी